वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग हो गई है, कल रात को काफ़ी लेट हो गया था आते आते, गुलमर्ग से लेट आया था एंड देन फंक्शन था विवांता में, उसको अटेंड करा और आते आते करीब 3-3:30 बज गए थे। सुबह तैयार हो गया था 8-8:30 बजे और कुछ लोगों के डिपार्चर्स थे तो वो असिस्ट करा रहा था, वो हेल्प करा रहा था, उस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। और इनफैक्ट अब मेरी भी जाने की तैयारी है, पैकिंग शैकिंग कर ली है, चेकआउट करने की तैयारी है, एयरपोर्ट जा रहा हूँ। थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ, रीज़न बिंग क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी 3-4 लेवल की होती है, अंदर के अलावा बाहर भी बैगेज वगैरह चेक करते हैं, तो इस वजह से वहाँ निकल रहा हूँ। दिन की अच्छी शुरुआत हुई है लेकिन रात की नींद पूरी नहीं हुई है, तो एयरपोर्ट पहुँच के वीडियो एडिट करूँगा और उसको अपलोड करूँगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि काम इस तरह का है कि ऑड आवर्स में भी कई बार काम आ जाता है, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, बट वीडियो ज़रूर आएगी। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। देखो यार, मौसम भी अच्छा हो रहा है, आज बर्फ़ पिघल गई, जो मैं फर्स्ट दिन आया था होटल में थी, मौसम भी साफ़ हो गया आज। इनफैक्ट ऊपर भी है जो प्रेडिक्शन है कि स्नो नहीं हो रही है, तो इस ब्यूटीफुल होटल को बाय करेंगे। क्या कर रहे हो बगीरा? ये देखो हीरो बगीरा बड़े आज मस्ती से मिला है मेरे साथ, कुछ नहीं है उसमें सूटकेस में, देखो यहाँ बैठ गया, सूटकेस सूंघ रहा है। बगीरा ने खाना खा लिया, बड़ा बगीरा खाना खा रहा है। चटनी, रोटी, प्याज, छोले, घर का खाना फाइनली मिल गया है। पैकिंग चल रही है, कश्मीर से आए थे, अब जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं उदयपुर। उदयपुर जा रहे हैं, लेकिन छोटा सा पंगा है। कल सुबह कितने बजे की फ्लाइट है? 6:30 की। 6:30 नहीं, 7 बजे की है। हाँ, 4 बजे निकलना है। जाएंगे 4 बजे निकलना है हमें, क्योंकि 6:30 बजे की फ्लाइट, 7 बजे की फ्लाइट है। और विनीत ने तो पैकिंग शैकिंग शायद कर ली है, हमारी रह गई। मैं आज कश्मीर से आया हूँ और गर्मी भी लग रही है, क्योंकि वहाँ तो टेम्परेचर बहुत ठंड, मतलब अच्छी खासी ठंड थी कंपेयर टू दिल्ली। रात का था वहाँ करीब 4-5 और यहाँ पे आया अभी 15-16, तो 10 डिग्री का तो ये फ़र्क हो गया। प्लस गुलमर्ग से आ रहा था तो वहाँ तो और कम था। और रख लिए कपड़े, अभी बेड में भी कुछ पड़ा है लेकिन निकालने का मन नहीं कर रहा मेरा। दीक्षा ने 2-3 शर्ट बोली हैं, वो निकाल ली है, एक दो हमने रख ली है। अब जा रहा हूँ शेविंग करने, फटाफट शेविंग करता हूँ और फिर जाऊँगा सोने, क्योंकि सुबह निकलना है। टाइम टू स्लीप, 11 बज रहे हैं, सुबह 3 बजे का अलार्म लगाया है, क्योंकि 4:15 बजे तक निकलना है। होपफुली उठ जाएंगे और टाइमली निकल जाएंगे। बज रहे हैं ऑलमोस्ट 5, उठने में थोड़ी देरी हो गई थी, विनीत का लकीली कॉल आ गया, नहीं तो आज तो कांड होने वाला था हमारा। फटाफट जल्दी जल्दी नहाया हूँ, ऐसे लग रहा होगा सोती हुई शक्ल, लेकिन जल्दी दीक्षा में नहा लिए। और इनफैक्ट उसने हमें बोला था 7:30, फिर सुबह बोल रहा 7:50 की फ़्लाइट है, तो हमारे पास 20 मिनट का गैप था, तो हमने उस बीच में अपना नहा लिए। ड्राइवर का वेट कर रहा हूँ गाड़ी का, और 1 मिनट में आ रही है। और अब बैग वैग पैक कर लिया है, ये सामाला बैग ले रहा हूँ, मम्मी उठी हुई है छोड़ने के लिए, और जा रहे हैं उदयपुर। वहाँ से आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। दीक्षा आ गई, घुमा दिया इसको दीक्षा? हाँ, सुबह कर ही रहा हूँ, तो बैगों के आसपास ही घूम रहा है। चलो, बिल्कुल भी शैतानी नहीं करनी, किसी को तंग नहीं करना, समझ गए? मैं जा रहा हूँ, अभी 2 दिन में आ जाऊँगा। ओके बाय मेरे बच्चू। विनीत के 3 बैग, हमारे 2 बैग, एक बच्चे का, बेबी का भी बैग है। चलो कुली आ जाओ ऊपर आ जाएगा। हाँ हाँ, इतना है नहीं। इवो, हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। इवो, गुड मॉर्निंग दीक्षा। दीक्षा को हो गई गुड मॉर्निंग। ऊपर भारी है ना बैग तो? हाँ, पता नहीं यार, ये इंडिगो वाले काउंटर ज़्यादा क्यों नहीं खोलते, लाइन तो आज टचवुड कम ही है।
यहीं पे ख़त्म है, नहीं तो उस दिन मैं आया तो वहाँ आगे तक जा रही थी। आज की कंडीशन ये है, काउंटर फुल है, सुबह के बज रहे हैं लगभग 6 और बोर्डिंग बंद होगी 7 बजे। होपफुली हम कर लेंगे। रेडी टू गो, फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं, लगभग 8 बज रहे हैं और अंधेरा हो गया, ब्लैंक। विनीत को ऑलरेडी भेज दिया है, वो जगह वगैरह घेर रहा है, कह रहा है सामान रखने की जगह गिर जाती है तो उसे भेज दिया है और हम लास्ट में चलेंगे। कि विनीत आ गया था आधे घंटे पहले, इसने पूरा देखा, मैं तो लास्ट में चढ़ाऊँ, आई वॉज द लास्ट मेम्बर फ्लाइट में। इंडिगो वाले बहुत खुश थे कि आपने यार मतलब अच्छे से पूरा पैसा वसूल करके आए। ये वाली सीट मिली है विंग्स पे, शायद यहाँ से कुछ शॉट देखने को मिल जाए। ये वाला बैग ऐसे बड़ा, इसको ये तो ऐसे लग रहा बेहोश हो गया फ्लाइट में, बेहोश हो गया ये वाला बैग। इसे भी खुली पड़ी है, हालत खराब है। ये तो आ गया, वो आ गए हमारे, ये फॉर्चून होटल, ये फाइनली फॉर्चून होटल, फॉर्चून होटल है। बहुत काम कर रहे हैं मानसू, बस सारा काम इन्होंने किया है, आज ही कर रहा हूँ, जनरली तो पता नहीं। बहुत सारा काम है हमारे पास, एक ट्रॉली और ले ले। वेलकम टू उदयपुर, उदयपुर आ गए हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स, नाउ द सिटी ऑफ वेडिंग्स, द सिटी ऑफ इवेंट्स, बहुत चीज़ों के लिए जाना जाता है। ये देखो, वेलकम टू द सिटी ऑफ लेक्स। आई गेस किसी की शादी वादी है, कोई है काजोल और कोई ऋषभ है, इनकी वेडिंग है। तो ड्राइवर का वेट कर रहे हैं, वो आ रहा है, कोई SBI का यहाँ पे ATM है उसके आसपास आएगा, होपफुली मिल ही जाएगा। अभी चेक करते हैं कहाँ पे है ये, आओ उधर है ना, आ जाओ, यहीं आएगा। दिस इज ऊबर प्रीमियर, भैया ये सारे आ जाएंगे क्या? हिमांशु के नाम से, हाँ हाँ, अरे आ जाएगा, सब आ जाएगा यार, इसमें ट्रक आ जाएगा इनके डिक्की में, टेंशन मत ले। करो पधारो, यहाँ पे हम सीढ़ियों से पधार रहे हैं। ओके, लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑफ उदय कोटी। ये डीलक्स रूम है, ये वाला ओरिजिनली ऑफ्रिकन था, तो ये देखो, दिस इज द वॉशरूम, इसको मैं अपने वार्ड सुइट बोलते हैं। ये ओरिजिनली बुक्स है तुम्हारा, फ्रंट व्यू है, सामने लेक्स दिख ही रही है तुम्हें, दिखाना, पार्शियल व्यू है, तब पार्शियल व्यू कह रहा था, पार्शल व्यू है। अच्छा ये है ना बागोर की हवेली, यहाँ सामने है, ये गेट देख रहे हो ना, वहाँ है बागोर की हवेली, ठीक है, नाइस, आई लाइक दिट। दूसरा आ जाओ देखो, लेट मी सी, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है उससे। अच्छा यहाँ बैठने का है, यू हैव द सिटिंग एरिया, दिस इज वॉशरूम, लिटिल स्मॉल, थोड़ा छोटा है वॉशरूम, ये तो हनीमून रूम लग रहा है मेरे को, बेबी मेकिंग एरिया, दिस इज बेबी मेकिंग एरिया है, बच्चे पैदा करें। डिसाइड कर लिया है हम ये वाला रूम लेने वाले हैं, और इसकी जो खासियत है ना, इसका ये जो बेड है, ऐसी फील देता है जैसे महाराजा वाली फीलिंग देता है, बहुत सुंदर है और काफ़ी अच्छा ना यहाँ पे पेंटिंग का कलेक्शन है, आप देखो यार, ब्यूटिफुल वर्क जो यहाँ पे मिलता है देखने को। थोड़ा सा गंदगी कर दी है, सॉरी फॉर इट, और ये वर्क स्टेशन हो गया, ये बैठने की जगह हो गई, टीवी, टी कॉफ़ी मेकर,
और वॉशरूम तो आपने देख ही लिया, और यहाँ पे है ये सिटिंग एरिया। इनफैक्ट यहाँ पे काम भी कर सकते हो, अभी तो फिलहाल मैंने लगेज रखा हुआ है यहाँ पे। अभी ये सब तो हो गया, अब जा रहे हैं सिटी पैलेस के विज़िट पे। मैं काफ़ी बार उदयपुर आया हूँ, इस शहर को सिटी ऑफ लेक के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन आजकल तो यार ये शहर ना अपनी वेडिंग्स के लिए, अपने इवेंट्स के लिए, शादियों के लिए बहुत फेमस है। काफ़ी वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग्स जो हैं वो इस शहर में होती हैं, उदयपुर में। दुनिया से ही नहीं, इंडिया से काफ़ी लोग यहाँ पे शादी करने और करवाने आते हैं। तो अब निकलते हैं, दीक्षा रेडी हो गई है और हम जा रहे हैं अपनी पहली विजिट के लिए, विच इज़ सिटी पैलेस।